प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे मूल कर्तव्य के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42 में संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रत्यारोपित किया गया और यह संभवतः दुनिया के जो तमाम लोकतांत्रिक देश हैं उनमें मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत होता है लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं आता। लेकिन साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो देश हैं उनके यहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा बने, संविधान में शामिल किए गए, वे मूल तौर पर 10 मूल कर्तव्य हैं। जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये एक मूल कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक आदर्श हैं उन आदर्शों की पालना करना। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, मतलब कुल मिलाकर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, राष्ट्रीय अखंडता है, एकता है, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। चौथा है, देश को रक्षा और राष्ट्र सेना के रूप में अपना अवदान या योगदान प्रदान करना, यह भी एक मूल कर्तव्य है। पांचवा है, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना, यानी कि बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को विकसित करना। छठवां है, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। जो हमारी समन्वित संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति की संपूर्ण संरक्षा करना। फिर है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, यानी कि अहिंसा, जिसका मूल मंत्र है, और जगत और प्रकृति के बीच में एक रागात्मक संबंध उत्पन्न करने की जो बात है, जो भारतीय संस्कृति से उत्पन्न हुई है, उस संस्कृति की रक्षा का संपूर्ण प्रयास करना है। फिर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए वो मूलतः वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक भावना का विकास करना हमारे मूल कर्तव्यों की एक आधारशिला है। फिर है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। जो भी भारतीय राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति है उसकी प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा करनी चाहिए और जो हिंसा की प्रवृत्तियां होती हैं उनसे दूर रहने की प्रवृत्ति विकसित
विकसित करनी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। व्यक्तिगत जीवन में हम ऐसे प्रयास करें जिससे एक सामुदायिक भावना, एक सामूहिक भावना संपूर्ण देश के अंदर विकसित हो और इस दृष्टिकोण से इसे भी मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। फिर 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ उसमें एक उपबंध और जोड़ा गया और वो उपबंध यह है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। कुल मिलाकर यह जो मूल कर्तव्य है वह भारतीय संस्कृति की पवित्र भावना से ओतप्रोत हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जगत और प्रकृति के बीच जो रागात्मक संबंध है उन संबंधों को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सभी नागरिकों का प्रयास होना चाहिए। इसलिए 1976 में इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में ये सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन फिर भी इसे और सुस्पष्ट करने के लिए इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया। एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसी प्रवृत्तियां विकसित होनी चाहिए। हमने जब आजादी पाई, संविधान का निर्माण किया, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अंगीकार किया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि रेलवे के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में अगर उड़ान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की है तो गो एयर और इंडिगो की भी है। मतलब सबको सामूहिक तौर पर हमने साथ लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का ताना बाना होना है और एक समाजवादी गणराज्य के लिए, जो कि समाजवादी गणराज्य पूर्णतः साम्यवादी नहीं है, लेकिन फिर भी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित करने का भारतीय संविधान ने प्रयास किया है। आज अगर सरकारी बसें चलती हैं तो प्राइवेट बसों को भी पूरा मौका है, उनके भी वीडियो कोच चलते हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत समन्वय हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है और हमारा मूल कर्तव्य, सब सामूहिक उत्तरदायित्व यही है कि हम संविधान की इस भावना को, संस्कृति की भावना को आत्मसात करें और इसको संविधान में स्पष्टता वर्णित करने के लिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और यह मूल कर्तव्य निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की एक अनोखी उपज है और इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, संपूर्ण नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास संभव है। केवल अधिकार महत्वपूर्ण नहीं होते, अधिकार तो अधिकार हैं, लेकिन जब हम इस देश के नागरिक हैं, जब हम भारत गणराज्य के नागरिक हैं, तो हमें कुछ मूल कर्तव्य भी आत्मसात करने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और एक सामाजिक समरसता की जो भावना होती है
होती है, एक कम्युनिटी लिविंग का जो कंसेप्ट होता है, एक सामुदायिक भावना जो होती है, उसका भी पूरी तौर पर विकास हो सके, इसलिए इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा लागू किया गया और बाद में 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें उत्प्रेरित किया जाए, उन्हें अग्रसर किया जाए। तो ये सब जो मूल कर्तव्य हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की, भारत की राष्ट्रीय विरासत की एक अनुपम देन है और इसलिए इन मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी जिज्ञासा हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं उपलब्ध हूँ, आप अपनी जिज्ञासा मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं उसके समाधान के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करूँगा। शुक्रिया।